आज की इस वीडियो में एक ऐसे खूंखार गेंदबाज के बारे में बताने वाला हूँ जिसके वाहवाही के किस्से तो पूरी दुनिया ने सुनी व देखी है, लेकिन आज मैं उसकी बर्बादी की दास्तान लेकर आया हूँ। रफ्तार के सौदागर यारकर के यमराज लसित मलिंगा। उन दिनों लसित मलिंगा का अथाह पराक्रम अपने चरम पर था। मलिंगा की गेंदबाजी के आगे बड़े बड़े दिग्गज भी घुटने टेक देते थे। उसी वक्त क्रिकेट जगत में एक त्रिकोणी सीरीज खेली जाती है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को शामिल किया जाता है, और समय कुछ यूं करवट बदलता है कि टीम इंडिया को इस सीरीज का फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका को एक बड़े अंतर से हराना जरूरी था, क्योंकि टीम इंडिया का रन रेट बहुत ही खराब था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में टीम इंडिया श्रीलंका से निर्णायक मैच खेलने मैदान पर उतरती है। श्रीलंका टीम की तरफ से महिला जयवर्धने और तिलक रत्ने दिलशान पारी का आगाज करते हैं, शुरुआत मजबूत करते हैं। 49 रनों के स्कोर पर जयवर्धने आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर उस सदी के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा मैदान पर आते हैं। उसके बाद तो दिलशान दिल से टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो उन्हीं के संगत में संगकारा भी खूब साथ निभाकर हाथ बटा रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते शतक लगा दिया। दिलशान ने 165 गेंदों पर 160 रन बनाए, तो वहीं संगकारा ने 87 गेंदों पर 105 रन बना दिए। इनकी पारी की बदौलत ही श्रीलंका टीम ने 50 ओवरों में 4 विकेट खोकर 320 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट रखा। लेकिन श्रीलंका ने जो इतना बड़ा टारगेट 50 ओवरों में बनाया था, भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए 40 ओवरों में ही बनाना था। जहां कमेंटेटर इसे नामुमकिन बता रहे थे, तो वहीं पूरी दुनिया पहले ही श्रीलंका को इस मैच का विजेता मान चुकी थी, क्योंकि श्रीलंका के पास लसित मलिंगा जैसे गेंदबाज थे जो 6 की 6 गेंद यारकर डालता था और बल्लेबाज उसके आगे हथियार डाल देते थे। ऐसे हालात में भारत की तरफ से सचिन सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। आते ही सहवाग ने धमाकेदार शुरुआत तो किया, लेकिन अंत में 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। फिर गंभीर के साथ सचिन तेंदुलकर ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 86 के स्कोर पर सचिन भी 34 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उसके बाद विराट गंभीर की जोड़ी स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाती है। 200 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया का एक और विकेट गिरता है गंभीर के रूप में। गौतम गंभीर 64 रन बनाकर पवेलियन चल जाते हैं और रैना मैदान पर आते हैं। रैना ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और भारत के स्कोर को 289 रनों तक पहुंचाया। विराट कोहली 98 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और आने वाला ओवर लसित मलिंगा का था। आज जो होने वाला था वो इतिहास पलटने वाला था। मलिंगा का करियर बर्बाद होने वाला था। आज मलिंगा के ऊपर दाग लगने वाला था, क्योंकि विराट कोहली आज मन बना के आए थे। विराट कोहली पहली बॉल पर 2 रन चुराकर अपना शतक पूरा करते हैं, लेकिन मलिंगा की अगली 5 गेंदों पर विराट कोहली ने 22 रन कूट दिए। मलिंगा निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, अपनी दुहाई की गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी और मलिंगा नाम की सनसनी को विराट कोहली ने तबाह कर दिया, पूरी दुनिया के सामने बर्बाद कर दिया। भारत यह मैच मात्र 36.4 ओवर में जीत लिया। उस वक्त विराट कोहली क्रिकेट के किंग नहीं थे, लेकिन उसकी एक झलक दुनिया ने उसी दिन देखा था, क्योंकि मात्र 36 ओवरों में 321 रनों का लक्ष्य हासिल कर पाना यह किसी पराक्रम से कम नहीं था। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उस विराट कोहली के लिए जिन्होंने मलिंगा के रुतबे को पूरी दुनिया में ख़त्म कर दिया।